तो अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि किसी पेशेंट का हेयर वॉश कैसे करना है हेयर वॉश करने के लिए हमें दो ट्रे चाहिए एक ट्रे जिसमें हमारे पास कॉम शैम्पू ऑयल और हमारे पास कॉटन बॉल्स होने चाहिए एक बाउल होना चाहिए और दूसरी ट्रे जिसमें हमारे पास एक रबर शीट होनी चाहिए दो टावल होने चाहिए एक फ़ेस टावल एक लॉन्ग टावल उसके अलावा गॉस पीसेज अगर आपको ज़रूरत है तो उसके साथ साथ आपके पास दो जग होने चाहिए जिसमें एक में गर्म पानी होगा और एक में ठंडा पानी होगा एक आपको बेसिन या फिर टब चाहिए बड़ा एक मग चाहिए और एक बाल्टी चाहिए होगी विच इज़ बाकी बेसिकली सो so, स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर सो so, इसके लिए आपको अपने पेशेंट को लेटरल पोजीशन देनी होगी मेक श्योर कि आपका पेशेंट लेटरल पोजीशन में भी कंफर्टेबल हो उसको लेटरल पोजीशन देने के बाद आपको अपने पेशेंट के शोल्डर के नीचे पिलो रखना होगा ताकि आप इसको थोड़ा शोल्डर और हेड लेवल को एलिवेट करें उसके बाद पिलो के ऊपर आपको एक टावल स्प्रेड करना होगा और उसके साथ साथ आपको एक रबर शीट रखनी होगी ताकि आप जब भी हेड वॉश करें ये सारा पानी इस रबर शीट के थ्रू नीचे बकेट में जाए मेक श्योर कि आपकी ये रबर शीट जो है वो बकेट के अंदर एंड हो सो हेयर वॉश करने के लिए जो हमने दो जग लिए हैं हॉट एंड कोल्ड इसका पानी मिक्स करना होगा मिक्स करवाने के बाद इसको हमें पेशेंट को टच कराना होगा पेशेंट इस पानी को फील करेगा और बताएगा कि क्या ये पानी उसके लिए सूटेबल है या नहीं वंस आपका पेशेंट यस बोल दे तो आपको वही पानी पूरी अपनी ट्रॉली में या बेसिन जो भी आपके पास है उसमें डालना है और उसके बाद आप हेड वॉश स्टार्ट करेंगे सो so, पानी आप मग से उठाएंगे पेशेंट के स्कैल्प एरिया को अच्छे से वेट करेंगे लॉन्ग हेयर है तो नीचे तक वेट करेंगे बालों को और शॉर्ट हेयर है तो ऊपर स्कैल्प पर वेट करेंगे इसके बाद आप शैम्पू लेंगे शैम्पू के पाउच या फिर बॉटल जो भी है उसको ओपन करेंगे अपने हाथों पे लेंगे थोड़ा सा पानी से उसको मिक्स करेंगे और स्कैल्प को मसाज करते हुए नीचे की ओर जाएंगे अगर लॉन्ग बाल हैं तो और उसके बाद बालों को भी अच्छे से वॉश करेंगे वंस आप ये प्रोसीजर कर दें उसके बाद अब हमारे पास आता है बालों को ड्रेंस करने की बारी ड्रेंस करने के लिए आप सेम वही वाटर लेंगे मग से और उसको बालों को अच्छे से साफ करेंगे ऊपर से नीचे साफ़ करेंगे अच्छे से तो so वंस आपने पेशेंट के अपने बाल रेंस कर दिए अब आती है बारी सुखाने की हमारा हेयर केयर जो प्रोसीजर होता है ये क्लीन प्रोसीजर होता है इस हेयर केयर के प्रोसीजर में आपको ग्लव्स की ज़रूरत नहीं होती बट अगर आपके पेशेंट के बालों में इन्फेक्शन है सिबोरिक डर्मेटाइटिस जैसे या फिर लीस इफेक्शन है तो इन सभी इफेक्शन के टाइम पे आपको ग्लव्स पहनने की जरूरत पड़ेगी सिंस मेरे पेशेंट के सर में ऐसा कोई भी इन्फेक्शन नहीं है तो मैं ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं करूँगी उसके बाद जब मैंने अपने बालों अपने पेशेंट के बालों को वेट कर दिया अब हमें सुखाने की बारी आएगी सुखाने के लिए अगर लॉन्ग हेयर है तो उन लॉन्ग हेयर को फ़ोल्ड कर दीजिए फोल्ड करके उसके बाद आप ये रबर शीट जो है ये निकाल कर नीचे अपनी बकेट में डाल दीजिए जो आपने हेयर फोल्ड कर हैं उसे एक हाथ से होल्ड कीजिए और दूसरे हाथ से पेशेंट के कंधे के नीचे से टावल को ढीला कीजिए एक तरीके एक तरफ से ऐसे रैप कर दीजिए दूसरा टावल लीजिए दूसरे साइड से इस टावल को इस तरीके से रैप कर दीजिए अब पेशेंट का हेड जब अच्छे से रैप हो जाएगा तो नीचे से ये लॉन्ग एंड फोल्ड करके साइड कर दीजिए इसके बाद हमें पेशेंट को वापस कंफर्टेबल पोजीशन में लाना है पेशेंट की हेल्प कीजिए अगर वो खुद अपनी पोजीशन में आ सके तो उसको खुद आने दीजिए और अगर नहीं आ पाता है तो आप उसकी हेल्प कीजिए एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए अगर आपका पेशेंट अनकॉन्शियस है तो अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए हम ये शॉर्ट फेस टावल यूज़ करते हैं जिसमें हम पेशेंट की आइज़ को इस तरीके से क्लोज़ करते हैं वाइल्ड वॉशिंग के और अगर आपका पेशेंट कॉन्शियस पेशेंट है तो आप उसको उसके हाथ में पकड़ा सकते हैं जब भी उसको लगता है कि सोपर वाटर उसके फेस पे आ रहा है वो उसको क्लीन कर सकता है बट इन केस ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट आपको उसकी आइज़ को कवर करना होगा वंस आपके पेशेंट के आपने हेड वॉश अच्छे से कर लिया अब पेशेंट के जब बाल सूख जाएंगे अच्छे से ड्राई हो जाएंगे तो अब हमें अपने पेशेंट के बालों को कॉम करना होगा जब आप अपने पेशेंट के बालों को कॉम करें अगर लॉन्ग हेयर है तो उसके दो सेक्शन कर लीजिए शॉर्ट हेयर है तो आप नॉर्मली कॉम कर सकते हैं पेशेंट के बालों को कॉम करने का एक पर्टिकुलर वे होता है और इस पर्टिकुलर तरीके को हम स्टार्ट करते हैं नीचे से सो so जब भी हम किसी पेशेंट के बालों को कॉम करेंगे हम नीचे से ऊपर की तरफ कॉम करेंगे और ऐसे हम पेशेंट के बालों को डीटैंगल करेंगे पेशेंट के बालों को हमें यूजअली हफ़्ते में एक या दो बार तो धोना ही चाहिए पर हफ़्ते में एक और दो बार अगर हम नहीं धोएंगे तो हमारे पेशेंट के बाल हो जाएंगे टैगल अब इस टैंगलिंग को रोकने के लिए हमें अपने पेशेंट के बालों में मॉइस्चर बना के रखना होगा जिसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑयल को सो so, अपने पेशेंट के बालों में ऑयलिंग कीजिए जब उसके बाल सूख जाए और कोशिश कीजिए कि आप अपने पेशेंट के बालों में प्लेट्स बना लें क्योंकि जब हम प्लेट्स बना लेते हैं तो हमारे बाल कम टैंगल्ड होते हैं वंस आपके पेशेंट के बालों में प्लेट्स बन गए हैं तो अब आप अपने पेशेंट को रिलैक्स करने दे सकते हैं और आने वाले तीन से चार चौथे दिन में आप इस प्रोसीजर को दोबारा करेंगे थैंक यू थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट एंड अटेंशन इफ़ यू लाइक लर्निंग दिस वे डाउनलोड योर पर्सनलाइज ऐप